अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, जहां भी होंगे ऐसे मुस्कुराते होंगे, अमनसुन के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और अमनसुन के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने की थी शॉपिंग, क्योंकि नाइट हो गई थी, देर होने की वजह से हमने आपके साथ शेयर नहीं की थी। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो हमने वहाँ पर सिटी में विदआउट कैमरा खरीदी थी, और कुछ चीज़ें आपको साथ साथ दिखाई भी थी। उसी हवाले से आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो सामान हमारे पास अवेलेबल है, आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल थोड़ा सा सामान है, लेकिन महंगाई होने की वजह से काफ़ी सारे पैसों से ये आया है। एंड में जाकर मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने में सामान आया। और ये देखें, ये हालांकि फुल बटा फुल बोरा है, ठीक है, इसके अंदर भी और भी माल पड़े हैं, ये देखें ये पड़े हैं। तो चॉइस करते हैं जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कि ओपन माल है वही हम आपको दिखाते हैं। आपने साथ साथ जुड़े रहना है एंड तक, इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने का मज़ा आएगा और साथ में हमारी शॉपिंग का भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी हमने शॉपिंग करी है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, उसके बाद चलते हैं मैं मज़ेदार वीडियो की जानिब। लेट्स गो। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सबसे पहले जी कपड़े आ गए हैं तकरीबन मर्दों के, सही है। तो इसमें से जी कपड़े निकालते हैं। सबसे पहला सूट ये निकल आया है जी, ये वाला। ये आपको लग रहा होगा कि ब्राउन है, लेकिन ये ब्राउन नहीं है, ये है जी वकार और सिद्दीक के लिए, ये वाला सूट। ये देखें, ये कलर है जी उसका, और ये है कपड़ा, बड़ा ही अच्छा कपड़ा हमने लिया है। और इसके बाद जी दूसरा, ये देखें इसका कलर और है, ठीक है। ये भी, ये हो गया जी मेरा, ठीक है, ये मैंने अपना सूट लिया है, ये वाला, ये देखें, ठीक है, उसका कलर और है, इसका कलर और है, ये इधर रख दिया जी। इसके बाद जी ये हमने लिया है, क्योंकि जो स्कूल की वर्दी है वकार की, वो भी इसी कलर की है, तो हमने ये कपड़े लिए हैं। इसमें से भी सिद्दीक के भी हैं, मेरे वकार के भी हैं, सिद्दीक के भी हैं, मेरे तो खैर बहुत हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये कलर है जी, ठीक है, इसको भी ऐसे रख देते हैं। कहाँ चला गया, ये हो गया जी ऐसे, ये तीन सूट हो गए। और इसके बाद मैंने, काफ़ी अर्सा हो गया मैंने वाइट कपड़े नहीं पहने, ये देखें जी, ये मैंने लिए हैं वाइट। और वाइट का तो आपको पता है, बस एक ही कलर होता है, वाइट वाइट ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाइट कपड़ा हो गया मेरा। इसके बाद मैंने, काफ़ी अर्सा हो गया ब्लैक सूट भी नहीं पहना, तो ये देखें, ये है जी ब्लैक सूट। और इस पे जब सिलाई करेंगे तो इस पे कुछ डिज़ाइन बनवाने हैं हमने, डिज़ाइन बनवा के ये बेहतरीन और बेस्ट हो जाएगा डिज़ाइन बनवाने के बाद। ये देखें जी, ये कपड़ा है ब्लैक में, फुल ब्लैक, ये ए हो गए, ये हो गए जी मर्दों के, और ये हो गया खाली। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि गाड़ी आ गई है। तो फैली फैली ये कपड़े हो गए जी कंप्लीट हमारे। और इसके बाद सेम उसी तरह का बैग है जी, ये देखें, ठीक है। तो अब इसमें से आते हैं, और यहाँ पर जो कपड़े वगैरह हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जी ये देखें, ये है वकार अहमद की गर्म जर्सी, और ये इसलिए हमने ग्रीन कलर में ली है क्योंकि स्कूल में ये ग्रीन कलर ही चलता है, तो यूनिफॉर्म के साथ ये चलता है, तो हमने ये ले लिया है। क्योंकि और अगर पहना के भेजेंगे, बोलेंगे ये नहीं पहन के आओ, उसकी सेम कलर पहन के आओ, तो सर्दी से भी बच जाएगा और साथ में वर्दी के हिसाब का भी बन जाएगा, ठीक है। ये होगी जी वकार अहमद की। और इसके बाद ये ग्रीन कलर के हमने ये दस्ताने लिए हैं, ये भी वकार अहमद के, क्योंकि जब सर्दियां फुल होती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, ये भी उसके लिए लिए हैं ग्रीन कलर के। और इसके बाद जी
आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक सूट आ रहा है जी। ये देखें, ये है जी आपकी भाभी जान का, और इसको निकालते हैं जी बाहर। ये आ गया जी बाहर, ठीक है। और चाचा शीत भी माशाल्लाह आ चुका है। ये देखें जी, ये सूट है, और इधर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये है जी सूट तकरीबन, ये है जी सूट की बैक साइड, और फ्रंट साइड जो है ना इसकी, ये देखें, ये है जी इसकी फ्रंट साइड, ठीक है। ये गला नुमा भी बना हुआ है, ये देखें सारा माहौल, ओके। और ये अच्छे वाला, मतलब बहुत अच्छे वाला नहीं होता, अच्छे वाला ये वो है, बड़ा ही प्यारा सूट है माशाल्लाह। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है ये सूट आपको कैसा लगा। इसके बाद इसका ये है जी दुपट्टा, ये देख सकते हैं आप, हमने उसके साथ लिया। बाज़ औक़ात वो जाली वाले रेशमी नहीं होते, वो होते हैं, लेकिन वो हम नहीं पहनते, मेरी घर वाली नहीं पहनती। तो ये हो गया जी दुपट्टा, ठीक है। ये देखें, ये भी बड़ा होता है, इधर देखें, ये हो गया जी दुपट्टा, सही है, बिल्कुल मैचिंग में है, नो टेंशन, नो कंप्रोमाइज, नो वहम। और ये इसकी सलवार होगी। इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं, एक और सूट है हमारे पास, ये आ गया है। ये सूट मेरा समझ लें कि चॉइस मेरी ही है। तो ये अभी मैं आपको सूट दिखाता हूँ कि ये कैसा है। ये तकरीबन शलवार है, कमीज है, पता नहीं, हाँ ये है दुपट्टा, ये देखना इतना लंबा दुपट्टा है। ये देखें जी, ये है इसका दुपट्टा सूट का, माशाल्लाह लाइट कलर में मैंने लिया था। तो ये हो, तो दुपट्टा आपने देख लिया जी माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही प्यारा है मेरे हिसाब से, क्योंकि सिलेक्शन जो मैंने की है। तो आपने भी बताना है कि ये आपको कैसा लगा दुपट्टा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जी, और ये ब्लैक में इसकी शलवार हो गई। अब आते हैं जी कमीज़ की जानब, माशाल्लाह ये आपको ब्लैक ब्लैक लग रहा है, लेकिन मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर देखिएगा कि ये कैसा है। ये भी दुपट्टा है क्या, रोला है, एक तो मुझे पता नहीं चलता कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। अब सही है, यहाँ अब सही हो गया। ये इसकी बैक साइड है जी, ये देखें सारी, और इसके अलावा अब आते हैं इसके फ्रंट के ऊपर। ये है जी इसका फ्रंट, ये देख सकते हैं आप, ऊपर गले का डिज़ाइन भी देख लें और बीच में बहुत सारा देख लें। मेरे हिसाब से तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बाकी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कैसा है। इसके बाद है जी एक और सूट जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब हमने पहली बार ही लिया है, अब हमें नहीं पता कि ये अच्छा है, हल्का है, क्या है कलर इसका। तो ये देखें जी, ये है ग्रीन, ठीक है। ये है जी दुपट्टा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद ये इसकी सलवार हो गई। अब आते हैं जी कमीज के ऊपर। ये है जी इसका कमीज, ठीक है। ये इसकी बैक साइड है, ये देखें, ठीक
ठीक है, ऐसे देखिए, ये देखिए। और अब आते हैं फ्रंट की जानब, ये है जी इसका फ्रंट है, ठीक है, काफ़ी ग्रीन है और लाइट में है, ये देखें। और इसका गले का डिज़ाइन देख लें सारा, ये न्यू डिज़ाइन का हमने लिया है, आई मीन पहली दफ़ा इतना तेज़ कलर हमने लिया है, ठीक है, आपने ये भी कमेंट में ज़रूर बताना है। आगे बढ़ते हैं जी, इसके अंदर और भी छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि ये देखें, इसे बोलते हैं जी जुराबें, हम आगे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये सिद्दीक की हो गई, वकार की हो गई, इसके बाद ये देखें, इसमें ये देखें, ये भी हैं दो जोड़ी, और ये देखें, ये सारी जुराबें हैं, और इसके बाद ये और चीज़ है, ठीक है, तो ये भी हमने ले लिए हैं, ये भी काम आते रहेंगे। और ये हमारा बैग हो गया जी कलियार, इसको रखते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं जी इस शॉपर के ऊपर, तो इसमें जी आप देख सकते हैं सबसे पहले आया है ये सूट गरम, और ये देखें, ये है जी सिद्दीक के लिए, ठीक है, अपर नुमा है ये, अब पता नहीं इसको अपर, हम तो अपर ही बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, जहाँ जिसको जाकर बोलो कि अपर चाहिए तो वो ऐसे ही दिखा देगा, ठीक है। और ये है जी कमीज़, और ये उसकी शलवार सर्दियों के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं जी सबसे मेन, बड़ों के दो आइटम हैं जी, और बड़े ही ज़बरदस्त A1 हैं, वो निकालते हैं और वो आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहले जी ये आ रहा है काफ़ी नरम और काफ़ी गरम, ये है जी जर्सी, आपको पता तो चल गया होगा कि ये जर्सी किसकी है, ये देखें। और ये हाथ में भी नहीं आ रही है, ऐसे महसूस होता है स्लिप कर रही है, इतनी नरम और मुलायम है, ये देखें, ठीक है, ये कैसी है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। ये वैसे यकीन करें इस कदर नरम है ना, ये दिल करता है कि इसको हाथ लगाते रहें। ये पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई है, हैं तो किसी चीज़ के बाल, पता नहीं भेड़ के हैं या किस चीज़ के हैं। खैर, ये कैसा लगा और ये किसका है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, सही हो गया। ये रख देते हैं जी इधर, और ये हो गया इधर फैलम, ठीक है, आप इधर बैठ गए। अब आ गया जी आपके भाई का सर्दियों वाला सिस्टम थोड़ा, क्योंकि मैंने भी लिया है अपने हिसाब किताब को देखकर, तो इससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये देखें जी, ये मैंने लिया है सर्दियों के लिए, एक तो ये पहनते हुए भी बहुत अच्छा लगता है और सर्दी के लिए भी बड़ा गर्म होता है ये। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये हो गया जी ओपन, और इसके अंदर देखें, ये देखें, काफ़ी गर्म है ये वाला भी। और अब आपका भाई इसको पहनता है, क्योंकि मेरे पहनने वाली चीज़ सिर्फ ये आई है जो फ़ौरन मैं पहन सकता हूँ। ये देखें जी, ये है मेरी, और ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर आपने ये भी ज़रूर बताना है, सही हो गया। सर्दियों के लिए ये बड़ी बेस्ट होती है, एक तो ये लेदर होता है, इस पर पानी वगैरह कोई बारिश वगैरह हो जाए तब भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इसी वजह से मैंने ये लिया है। तो इसको अभी पहन के रखते हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ ठंडी हुई पड़ी है, बड़ी अच्छी लगेगी, या उतार ही देती हैं, डिस्टर्ब करेगी थोड़ी, अभी काम कर रहे हैं ना। चलें जी, ये आपको कैसी लगी आपने ये भी कमेंट में ज़रूर बताना है, ये वाली सिलेक्शन हमारी हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जी, तकरीबन ये वाला सामान हमारा कम्प्लीट हो चुका है, छोटे बैग जितने भी थे वो मैंने कम्प्लीट कर दिए हैं। अब आते हैं जी सबसे पहले इस चीज़ में, क्योंकि इसका जो फैलाव है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो जब मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर और चीज़ दिखाने की जगह नहीं बचेगी, इस वजह से पहले इधर आ जाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जी हमारे पास ये आइटम है, इसको कर दिया हमने ओपन, ठीक है, और ये आपको वैसे नज़र भी आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है, मज़ीद मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये हो गई है जी ओपन। इसके ऊपर सबसे पहले ये वाला गत्ता, ठीक है, और अब इसको निकालते हैं जी बाहर थोड़ा थोड़ा करके। इधर देखें, ये आ गया है जी माहौल। ये देखें, ये है जी हमारी जूसर मशीन, और इसमें हर वो आइटम है जो हमें ज़रूरत होता है। तो ये देखें, ये हो गया ओपन। इसके बाद ये भी पड़े हैं गाजरों वाले, ये भी पड़ा है। इसके बाद इसकी जाली भी है, ये देखें। तो प्यारे व्यूअर, ये देखें, ये जाली नुमा बनी हुई है। इसके अंदर भी मिसाले जात वगैरह और कोई भी चीज़ हम इससे निकाल सकते हैं। ये ओपन हो गया। इसके बाद ये वाले आपको पता है, अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट चीज़ें लगनी होती हैं हमने ली है अच्छे वाली, और इसकी जो वारंटी है वो है जी पूरे 5 साल, ठीक है, 5 साल है, पता नहीं 3 साल है, मेरे पास लिखी पड़ी है, बल्कि 5 साल है। हाँ ये देखें, 5 साल इसकी वारंटी है। कोई भी मसला मसाइल हो दोबारा, ये देखें, ये मिसाला जाज रगड़ने के लिए ये इधर लगा के, आपको सबको पता तो है अब शहर के माशाल्लाह रहने वाले हैं, तो ये भी है। और इसके अलावा ये जूस बनाने के लिए ये भी है, ये देखें, ठीक है, और इसका ढक्कन बंद करके चला देनी है। हम इसकी चेकिंग करेंगे, फिलहाल सिर्फ आपको मेरा मकसद है चीज़ें दिखाना, ठीक हो गया। तो बाकी इसके अंदर और खासी कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसको करते हैं थोड़ा साइड पे। सिस्टर इसको थोड़ा साइड पे तो कर दें, वो उधर रख दें। दोबारा इसकी फिटिंग वगैरह करेंगे, ये भी इधर लगता है ना, इसे पहले मैंने लगाया हुआ था ना, इसे भी लगता है। हाँ जी, चलें जी, माशाल्लाह ये हमारा सामान ये वाला हो गया ओके, और ये गत्ता हमारा हो गया खाली, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और बड़े वाला जो हमारा कार्टन है इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह आप जो शॉपिंग की है हम भी आ गए हैं देखने के लिए। माशाल्लाह, वेलकम वेलकम। कैसे देख, आप सुनाओ, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मजे हैं। हाँ जी दीक, आप सुनाओ, आप कैसे हो? एक नई वैरायटी आई है जी हमारे यहाँ, वो सबसे हम उसको देख के ना हमें हंसी आती है, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा माहौल नहीं था। दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये है जी मंदड़ा, इसे हमारी लैंग्वेज में मंदड़ा बोलते हैं, और साग बनाने के लिए, दाल वगैरह को लगाने के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। तो ये अजीब शक्ल के आपको लग रहे होंगे, ये देखें, ये दो लिए हैं, इसका साइज कुछ छोटा है, इसका कुछ बड़ा है, ठीक है। ये एक हमारा है, एक अकरम भाई वालों का है। अच्छा, हाँ जी, चलो जी, ये दो मंदड़े हो गए, इनको इधर रख देती हैं। इसके बाद जी ये होता है लकड़ी वाला सेट, क्योंकि जो नेक्स्ट चीज आने वाली है वो आपको पता चलेगी, उसमें ये चीजें काम आती हैं। इसको करते हैं ओपन, मैं आपको मुकम्मल ये सेट दिखा देता हूँ कि ये कैसा होता है। आजकल तेज तरीन दौर चल रहा है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जो लकड़ी के बगैर इस्तेमाल नहीं होती। ये देखें जी, ये है जी सीधे वाली डुई, हमारी लैंग्वेज में इसे डुई बोलते हैं। आप क्या बोलती हैं उर्दू में? चम्मच होता है, सिंपल सा चम्मच हो गया जी, ये डुई है, ये हो गई। अच्छा, इसके साथ ये होता है जी, ये देखें, ये सुराखों वाला होता है, ठीक है, चावल वगैरह बनाने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के, ये भी काम आता है, ये इधर। और इसके बाद ये देखें, असल डुई ये होती है जी, जो हम इस्तेमाल करते हैं ना घरों में, ये वो डुई हो गई ऐसे करने के लिए, ये आ गया जी। और इसके बनाते हैं ना इसके साथ, ये है जी सिंपल,
रोटी वगैरह हो या अंडा वगैरह फ्राई करना हो या कोई भी चीज़ हो उसके लिए ये काम आता है। ऐसे होता है ना। हाँ ये देखें जी, ये भी हो गया, ये हलवा बनाते हैं, हलवा कोई भी चीज़ हो इस्तेमाल करते हैं। ये चार का सेट होता है जी, ये मुकम्मल हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए ये देखें, ये एक ट्रे लिया था क्योंकि हमारा जो पहले हमने लिया हुआ था ना वो टूट गया था। अब ये लिया किस लिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ की ही चीज़ उठाती हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में भी और दिखाने में भी। ये देखें जी, ये वाला आइटम, पहले जो हमारे शीशे वाले गिलास थे वो तकरीबन टूट गए और अब हमने ये वाले लिए हैं। इसमें आसानी होती है धुलाई करने के भी, हाथ बंदे का पहुंच जाता है। जो लंबे वाले होते हैं वो अच्छे नहीं होते और धुलाई अच्छे से नहीं होती। ये ट्रे लिया है और इसके साथ इसके गिलास लिए हैं। ये देखें, मेहमान आते हैं बोतल वगैरह पीने के लिए ना बड़ा मसला होता है, इसलिए हमने ये पूरे साइज़ का लिया है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। अब चाय पेश कर सकती हैं और ये है भी बड़ी मजबूत, ठीक है। इस पर इसको रख दो उधर उस साइड पे। अच्छा जी, ये हो गया हमारा ये वाला सेट कंप्लीट। मैं आके चल सिस्टर, ये लो ये आपके लिए। अच्छा मैं ये समझ गया। आगे बढ़ते हुए जी, आगे बढ़ते हुए जी आ जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें जी, ये आ गया हमारा एक और सेट जिसे बोलते हैं जी थर्मास। ये सेट तो नहीं है, बस एक ही है और ये न्यू आया है मार्केट में। पहले ऐसे नहीं थे, पहले होते थे लूहे वाले, ठीक है, स्टील में लूहे में। ये है प्लास्टिक में और ये कभी भी ख़राब नहीं होता पानी में किसी भी चीज़ में। जो लूहे वाले होते हैं वो उनका नीचे वाला जो तल होता है ना शीशा सही होता है, लेकिन वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, जंग पकड़ लेते हैं। और इसका ये चुंज वाला भी है सिस्टम, ये देखें सही है। और इसके अंदर जो उसने शीशा दिखाया है ये वाला बोलता है कि ये ओरिजिनल है और ये कभी ख़राब नहीं होता, 12 घंटे के लिए चाय गर्म रहती है। अब दुकानदार तो ऐसा ही बोलेंगे, मजीद हम चेक करेंगे। वैसे 12 घंटे हम चाय रखते भी नहीं है, 2 घंटे नहीं ठहरेगी, पहले समाप्त होता है ना, रखने से हमें जरूरत भी नहीं है, हम बस एक चले जी ये रखते हैं उधर। अच्छा जी, दुकानदार तो कहते हैं क्योंकि उनकी बिक्री हो जाए। इसके बाद जी एक और हमारा आइटम आता है माशाल्लाह, वो भी बहुत प्यारा और इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि हमारे घर में सिलाई का काम होता है। जो सिलाई करती हैं औरतें उनको पता होता है कि ये वाला आइटम बहुत ज़्यादा अहम है। इसको करते हैं जी ओपन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम जी, वेलकम। जो भी आता है यही मंदड़ा उठाता है क्योंकि ये न्यू शक्ल, मैंने बोला ना कि न्यू शक्ल का आया है ये मंदड़ा। तो ये देखें जी, ये मालक भी आ गया, मंदड़ा भी आ गया। अच्छा जी, तो जो जरूरत वाली चीज थी हमारी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या थी। हमारी जरूरत अभी पूरी हो गई है, मैंने एक चीज देख लिया है। ये देखें जी, ये वाली ये इसको निकालते हैं जी बाहर। आपको पता है ये आ गई है जी, इसका थैले भी है साथ में, गाड़ी आ रही है, बात करते हैं। तो प्यारे व्यूअर ये देखें माशाल्लाह, ये एक आइटम हमारे पास आया है और इसकी हमें अशद ज़रूरत थी। नुकसान तो है मोहिद्दीन का थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, नुकसान बताएं क्या इस चीज़ का। ये एक बार हमने ख़रीद ली है, अब इसको अगर लगातार हम चलाना स्टार्ट कर दें तो बिजली के बिल अकरम भाई को पता है कितने आते हैं। ये यार हमारी तो चल रही है, पानी की मोटरें चल रही हैं, फ्रिजें चल रही हैं, इस्त्रियाँ चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ जब आपने इस्त्री वाले कपड़े पहनने हैं तो ये तो चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप कितना बिल देते हैं? तकरीबन 15,000-14,000। मैं कितना देता हूँ? आप देते हैं 2,000-2,500। हाँ तो फिर, लेकिन आपके पास अभी तक वो फ्रिज भी नहीं है, पानी वाली मोटर भी नहीं है। चलो वो ऐसा ऐसा आ जाएगी फिर। अभी ये देखें जी, ये इस्त्री हमने ली है और इसकी कंपनी नेशनल की, और इसके अलावा इसकी जो गारंटी है पूरे 7 साल है, ठीक है। अब ये सिर्फ ये तार की नहीं देते और इसके बाद स्विच वगैरह की तार की नहीं देते, बाकी इनकी टोटल गारंटी होती है। इस्त्री को कोई भी मसला हुआ तो आप चेंज करा सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वज़न भी इसका बहुत है और इसका ये जो है ना लेसमा ये भी बड़ा अच्छा है,
ये उतरेगा क्या? ये उस टाइम उतरेगा जब आपको भूल जाएंगे, कपड़ा जल जाएगा एक बार, फिर इसका ना ये काला हो जाएगा, फिर ये कपड़े भी चलाती रहेगी, फिर समय लेके सही इसके एहतियात, क्योंकि ये मेरे वाली जो स्त्री है उसका ये पीले कलर में है, इसका जो है सिल्वर कलर में है। चलो ये हम ऐसा ही रहेगा, कलर से कोई लेना देना नहीं है, चीज अच्छी होनी चाहिए। सिस्टर इसको यहाँ पर रखें। माशाल्लाह जी, ये एक ही आइटम था और ये हर घर की तकरीबन ये ज़रूरत है, जो अच्छे खासे खाते पीते खानदान के हैं ना, आई मीन जो अच्छी हैं, जिनकी मैशियत अच्छी है। कि मुझे स्त्री दिला दो, आज हाथ लगा लिया ना। मैं देख लिया, आप भी ना हो, आप भी। अच्छा, एक मिनट से देख, आज हाथ लगा लिया कर, हाथ कल को हाथ में आएगी। हाँ जी, सबसे कीमती आइटम अभी आने वाला है, और यार एक मिनट आपसे नहीं उठाया जाएगा, चिंघ रहा है, कर रहा है, वो कहते हैं जल्दी मैं उठाऊं। चलो उठाते हैं, साथ उठाते हैं, चलो चलो पकड़ो पकड़ो, जोर लगाओ। ये आ गया है जी, सबसे कीमती और छोटी छोटी शॉपिंग वाला बड़ा आइटम, लेकिन ये कीमत में जूसर मशीन से कम है, ये मैं आपको बता दूँ। सबसे जितने भी यहाँ पर सेट पड़े हैं, सबसे महंगे आइटम छोटे मोटे में सबसे महंगा ये था जूसर मशीन, और उसके बाद फिर इसकी बारी आती है। इसको करते हैं जी ओपन, ये आ गई है जी कढ़ाई, वाह जी वाह, माशाल्लाह, ये है जी कढ़ाई, इसे बोलते हैं लोग तो बोलते हैं नॉन स्टिक, ये लिखा हुआ है नेवर स्टिक, नॉन स्टिक नहीं, नेवर स्टिक। अच्छा, इसको अब ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में हम खोल लेंगे, ठीक है, जब इसमें कोई चीज़ पकाएंगे, सही है। खोल दे अभी क्या यार, ये ना टाइम बहुत कम है, ऊपर जुम्मा नमाज का टाइम होने वाला है, अजाने होने लगेगी, क्योंकि हमने इसका ढक वगैरह देखना है ऊपर से। हाँ, पूरी इसकी तस्दीक भी हो। चले जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हो गई है जी आपके सामने ओपन। रुक यार सदीक, ये लो, ये आपका, आप इधर आ जाना, इधर बैठ यार, इसमें इतनी ब्लैक है, मैं ऐसे गया ना, मुझे अजीब लगा नज़र पे जैसे असर पड़ गया हो। ये देखें जी, ये है इसका ढक्कन, और ठीक है, और ये है जी ये देखें, ठीक है। अब जब हम कोई चीज़ सालन वगैरह इस पे पकाएंगे तो वाज़े हमें नज़र आ रहा होगा, ढक्कन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका जो गैस है इधर से निकलता रहता है, ठीक है, हल्का हल्का। तो ये असगर भाई वालों की भी थी, वैसे असलम भाई की है या असगर भाई वालों की? असगर भाई वालों की। हाँ, असगर भाई वालों की है, तो हमने भी सोचा कि हम मुकाबला नहीं करते, लेकिन जिसने भेजे हैं ना उसने कहा ये आपने लाजमी लेनी है, सो हमने ले ली है। ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी है। अच्छा है। हाँ, ये फुल साइज में, इससे छोटी होती है लेकिन ये फुल साइज में, इससे बड़ी इसमें, नहीं। इसमें आप जो है ना वो बना सकते हैं, वो जो होती है ना क्या असलम भाई बनाता है अक्सर, रोशा, क्योंकि इसमें ना इसको आटा लगा के ढक्कन इसका बंद भी कर देते हैं 3-4 घंटे के लिए, पानी डाल के वो बनता रहता है। हाँ, आटा इधर लगा देते हैं और समझ लें कि ये कुकर का काम करता है। हाँ, ये कुकर वाला। हाँ, सही हो गया जी। तो ये वाला कैसा लगा आपको आइटम, आपने ज़रूर बताना है। ये हमारे गत्तों वाला जो माल है कम्प्लीट हो चुका है। अब आते हैं जी बोरे की जानब, जल्दी जल्दी। कैंची किधर गई? ये है जी हमारी कैंची, और इधर से मैं आपको माल दिखाता हूँ, असल तो असल माल तो इधर पड़ा है, बोरा जो फुल किया हुआ है ये किस लिए किया हुआ है? तो इंतजार में है ना, जल्दी दिखाओ। हाँ जी, दिखाते हैं इंशाल्लाह। चले जी, ये हो गया है तकरीबन ओपन, ये फिर नहीं निकलेगा ना, ये ऐसे चुंड बनी हुई है, फिर ये नहीं निकलेगा ना, इसलिए काट दिया, काट दिया है। भेड़े नहीं उड़ने दे साथ अब्बास। नहीं 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 नहीं, भेड़े के उड़ने नहीं है वो यार, इसको नहीं खींचो, कपाह नहीं है,
माशाल्लाह जी, जुमा नमाज का टाइम भी हो गया है और अभी इमाम साहब भी तिलावत करना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें जी, ये मैंने आपको दिखाए भी थे और मजीद इसको ओपन नहीं करते है ना, ये वैसे उधर दिखाए भी थे, ओपन तो हो गए हैं, ऐसे ही है ठीक है, वो एक है और ये दो हो गए ठीक है, और ये भी दो हो गए, टोटल कितने हो गए, पांच। हाँ जी, ये हो गए हैं जी टोटल पांच, इधर बैठ गए। इसके अलावा इसमें और चीजें हैं जो मैं आपको दिखा दूं छोटी छोटी। तो प्यारे व्यूअर, अभी जो सामान था हमने जल्दी जल्दी करके आपको दिखा दिया है, मजीद कुछ सामान भी बच गया है। जुमा नमाज का टाइम हो रहा है और आज का जो मेरा व्लॉग है उसका यहीं पे एंड हो रहा है। पार्ट टू इंशाल्लाह हम बहुत जल्द बनाएंगे, नाइट में भी बना सकते हैं, कल भी बना सकती हैं। तो बचे कुछ सामान वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मैं माजरत करता हूँ, मैंने बताया था कि ये कितने में आया है, मैं एंड पे जाकर आपको बताऊँगा, लेकिन एंड हुआ नहीं है तो मैंने बताया नहीं है। कल इंशाल्लाह या फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिए क्या, क्योंकि जुमा नमाज की तैयारी भी करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।